हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी कुछ समय पहले मैंने जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के ऊपर एक वीडियो बनाया था जो कि नोएडा में है, बेसिकली NCR रीजन में, और वहाँ पर मैंने ऐसे कोर्सेज के बारे में आपको बताया था, मास्टर्स के यानी कि MSc और MTech के भी कोर्सेज के बारे में बताया था जिनका कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है या जो डायरेक्टली आपके जो जो एग्ज़ाम है यानी कि जो एक तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनका यूनिवर्सिटी का, और कुछ कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन भी था जिसमें कोई भी एंट्रेंस नहीं था। तो इस तरीके का मैंने एक वीडियो भी कुछ समय पहले बनाया था। आज फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके बाद मुझसे बोल रहे थे कि सर ऐसे और भी इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताइए जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हों, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हों और उनमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन ना हो या आपके मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा हो। तो मैंने सर्च किया तो मुझे एक और यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला जिसका नाम है अलगप्पा यूनिवर्सिटी। ये तमिलनाडु के कराईकुडी नाम के एरिया में है। तो आज मैं इस यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज हैं बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या इससे रिलेटेड उनके बारे में आज आपसे बात करूंगा। बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है और कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जिनमें एग्जामिनेशन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपना रीच और बढ़ा सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुँच सकते हैं जो जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे लिए कंटिन्यूस मोटिवेशन के तरीके से भी काम करता है ताकि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए हर बार लेकर के आ सकें। जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो मिल रही है उससे रिलेटेड अगर कोई PDF होगा तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस यूनिवर्सिटी का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। सबसे पहले तो आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आ जाइए और उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस यूनिवर्सिटी में जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है वो आपको दिखने लग जाएगी। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एडमिशन जिसे मैं व्यू ऑल पे क्लिक करूँगा अगर, तो यहाँ पे जितनी भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी दिखने लगेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स फॉर द अकेडमिक ईयर 2024-25। तो इसके ऊपर आप क्लिक करें एक बार। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप। तो ऐसे प्रोग्राम्स एडमिशन थ्रू नॉन एंट्रेंस एग्ज़ाम, 2 साल के ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होना है, तो एक तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है प्रोग्राम्स या एडमिशन थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो अगर हम पहले देखते हैं कि नॉन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें आप जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं, तो देखिए एक तो ये देखिए MSc इन बायोमेडिकल साइंसेज का कोर्स है, मुझे लगता है कि आपके लिए शायद इंटरेस्ट हो, या MSc इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MSc इन एनर्जी साइंस हो गया, MSc इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो ये एक आपके इंटरेस्ट का कोर्स हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट MSc इन जॉलजी, MSc इन बॉटनी, ये सारे तो कोर्सेज हैं। इसके अलावा MSc इन साइबर फॉरेंसिक्स, तो ये कुछ कोर्सेज हैं जिनके अंदर मुझे लगता है कि शायद आप लोग इंटरेस्ट हों, और बाकी आप जिसको चेकआउट कर लीजिए, अगर आपको लगे तो आप दूसरे कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी देखते हैं ऐसे कोर्सेज जिनमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। तो अगर आप देखें तो MBA के कोर्सेज हैं ऊपर, यहाँ पे नीचे MCA का भी एक कोर्स है, यहाँ नीचे MSc बायोटेक्नोलॉजी है और MSc माइक्रोबायोलॉजी है। तो देखिए दोनों कोर्सेज में MSc माइक्रोबायोलॉजी और MSc बायोटेक्नोलॉजी के दोनों कोर्सेज में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, ये यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। अब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में MSc मरीन बायोलॉजी, इंटीग्रेटेड से हमें मतलब नहीं है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। तो अब हम आ गए हैं इस पेज के ऊपर, हम पहले देखते हैं नोटिफिकेशन को। अब देखिए नोटिफिकेशन में यहाँ पे एक जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर होते हैं उनकी डिटेल्स तो दी ही हुई हैं, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह हैं उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए एंट्रेंस टेस्ट, जिन भी प्रोग्राम्स में एंट्रेंस टेस्ट होना है, तो जैसे कि MSc प्रोग्राम बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी का है, तो उसका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 26/5/2024 को एंट्रेंस टेस्ट उसका डिसाइडेड है। 2 बजे से 4 बजे तक के बीच में एंट्रेंस टेस्ट उसका होगा, 26 मई को यहाँ पे दिया हुआ है। एंट्रेंस टेस्ट का जो सेंटर होगा वो कराईकुडी में ही होगा,
और डेट ऑफ इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन या अगर अगर कुछ होगा तो वो बाद में बताया जाएगा आपको। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन इन इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो कैंडिडेट्स को आपको वेबसाइट यूनिवर्सिटी वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करना है, मैंने अभी आपको दिखाया भी था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके इनसे बातचीत कर सकते हैं, इनका नंबर भी दिया हुआ है और एडमिशन का मतलब इनकी ईमेल आईडी भी दी हुई है। अब अगर मैं आपसे कुछ चीज़ें यहाँ पे बताऊँ कि एंट्रेंस प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो कितने पैसे लगेंगे, 600 रुपये, नॉन एंट्रेंस प्रोग्राम के लिए 400 रुपये, यूजी प्रोग्राम्स के लिए यूजी एंड 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए 250 रुपये और डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए 200 रुपये लगेगा। अच्छा, एक चीज़ एक इशू है यहाँ पे कि एंट्रेंस प्रोग्राम के लिए जो अगर आपने जो MSc के प्रोग्राम जैसे बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो लास्ट डेट है वो कल निकल चुकी है। हालांकि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसमें अभी मैंने इसको सर्च करना शुरू किया था तो मुझे ये दिखाई दिया, लेकिन आई डोंट नो क्योंकि मे बी इसकी डेट वो बढ़ाएं या जैसा भी है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, आप इनसे एक बार कॉल करके बात कर सकते हैं और उनको ईमेल कर सकते हैं कि अगर इन केस एक दिन आप वो अलाउ कर सकें अगर आपको फॉर्म भरने के लिए, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फिर आपको कराईगुडी पहुँचना भी पड़ेगा तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी भी नॉन एंट्रेंस प्रोग्राम्स के लिए अभी भी डेट्स हैं, तो 31/5/2024 यानी 31 मई तक की डेट है आपके पास अगर आप नॉन एंट्रेंस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, इसको इस चीज़ को इस पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो हम इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस दिया हुआ था, आप चाहें तो प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिएगा और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक एक चीज़ का चेक कर लीजिएगा। जैसे कि मैं अगर आपसे बताऊँ तो जैसे कि MSc के कोर्सेज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, MSc फिज़िक्स, MSc नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अगर आप चाहें तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे BE BTech बायोटेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल हैं, है ना। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं कि जैसे स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc बायोइन्फॉर्मेटिक्स, किसमें आप एलिजिबल हैं किसमें नहीं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। वापस आता हूँ, मैं बात एग्जैक्टली करना चाहता था अप्लाई किस तरीके से करना है। तो एडमिशन थ्रू नॉन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यहाँ पे जाकर के सीधे अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना नहीं है, 31 तारीख लास्ट डेट है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एंट्रेंस एग्जाम वाली बात है तो आपको ज़रा चेक करना पड़ेगा, अगर ये ओपन, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सोच रहा था कि मे बी अलाउ कर रहे हों या जैसा भी है, आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा, एक बार इनसे कॉन्टैक्ट करने के बाद ही फॉर्म भरिएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।